यस स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर पे देखने वाले हैं प्रोसीजर फॉर अंडरकटिंग ऑफ माइका, प्रोसीजर फॉर अंडरकटिंग माइका। अब एक्चुअल में इसमें क्या होता है, ये हमारा जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के सर का सेगमेंट जो होता है हमारा माइका से हम जॉइंट किए रहते हैं। अब वो होता क्या है, उसमें आपका इस कम्यूटेटर के सरफेस के ऊपर आपका जो ब्रश है वो हाई स्पीड से रन करता है डीसी मशीन पे। तो ये जो माइका होता है एक्चुअली कॉपर से हार्ड होता है, कॉपर से आपका जो कम्यूटेटर का सेगमेंट होता है वो कॉपर से बनता है, और वो कॉपर का जो बार होता है उसको हम माइका से जॉइंट किए रहते हैं, और पूरे उसको सर्कल की आकृति दी जाती है जिसके ऊपर में जो हाई स्पीड से रोटेट होता है और उसे ब्रश है वो यूज करते हैं करंट कलेक्ट करने के लिए या फिर करंट डिलीवर करने के लिए उसमें। तो इसमें क्या होता है, जब बहुत लंबे समय तक ये चीज़ चलते रहता है तो उसमें हमारा जो कॉपर है, कॉपर का बार कम्यूटेटर का, वो धीरे धीरे वार्न आउट होते जाता है, घिसते जाता है। अब घिसते जाता है तो उसमें क्या होता है, आपका जो माइका होता है वो ऊपर बच जाता है, कम्यूटेटर का सेगमेंट है वो तो घिस के उसकी डायमेंशन कम हो गई, बट माइका है वो हार्ड होता है, इस कारण से वो नहीं हो पाता, जिससे उस सेगमेंट के बीच में आपका जो माइका है वो रुके रहता है, और जिसके कारण रुका हुआ होता है, जिसके कारण जब उसमें ब्रश उसमें पड़ता है तो एक एयर गैप क्रिएट कर देता है, जब बस उस ब्रश उसमें रन करता है तो एयर गैप क्रिएट करता है, जिससे हमारे उसमें कम्यूटेटर के सरफेस में स्पार्किंग के चांसेस आपके बढ़ जाती है। तो इसलिए उसको हमको अंडर कटिंग करना पड़ता है। तो अंडर कटिंग करने के लिए हम अप्रॉक्स अंडर कटिंग जब उसमें की जाती है तो जितना आपका सेगमेंट का विड्थ होता है, जितना गैप होता है बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट, उतने ही विड्थ का हम नीचे डेप्थ उसकी करते हैं माइका का। और ये डेप्थिंग करने के लिए हम एक कर्व टूल यूज करते हैं, जो कि यूज हेक्सा ब्लेड से बना हुआ होता है। इसका फिगर कुछ इस टाइप का है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें आपको दिख रहा होगा ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स आपस में जो डार्क शेडेड पोर्शन है वो माइका है, माइका से जुड़ा हुआ है आपस में। अब ये माइका से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये अलग अलग एग्जांपल बताया गया है कि कैसे क्या होता है, हम सिर्फ अंडर कटिंग माइका देखते हैं। तो ये आपका एक कम्यूटेटर सेगमेंट है, अलग अलग कम्यूटेटर सेगमेंट, जो कि ऐसा आपको सिर्फ फिगर के लिए बताया गया है, वो होता है आपका सर्कुलर शेप में। तो इसके बीच में ये माइका से जुड़ा हुआ रहता है कम्प्लीटली। तो ये क्या ऑलरेडी यहाँ पर अंडर कट हो गया है ये, तो हम अंडर कट माइका को देख रहे हैं। ये जब ये दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में ये एक्चुअल में होता है कम्प्लीट ये फील्ड रहता है एग्जैक्टली। यहाँ पर हमारा ये ना तो एक्सेस होता है ना तो कम होता है, हल्का सा इसको हम कम करते हैं इस टाइप से, जितना ये गैप होता है उतना ही हम इसको नीचे रखते हैं एक्चुअल में करने के लिए इसको। बट इसमें क्या होता है, जब बहुत लंबे समय तक ये चलते रहता है तो ये आपका कॉपर से बना हुआ है कम्यूटेटर सेगमेंट है, जिसके कारण ये धीरे धीरे घिस जाता है। अब माइका है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है माइका का लेयर, इस कारण से ये क्या होता है घिसता नहीं है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो इसका कुछ पोर्सन है वो बाहर बचा हुआ रहता है। अब यहाँ पर ब्रश हाई स्पीड से चलेगा, इसके ऊपर में ब्रश चलता है हाई स्पीड से रोटेट होता है ये, तो ब्रश पड़ता है तो इसमें एक एयर गैप क्रिएट करता है, यहाँ पर पड़ता है तो जितना एयर गैप क्रिएट होगा उतना ज़्यादा स्पार्किंग के चांसेस रहती हैं, इसलिए हमको इसको अंडर कट करना पड़ता है। अंडर कट करना मतलब अंदर गहराई तक उसको कटिंग करना। तो इसके लिए जो यूज हेक्सा टूल है कर्व शेप का वो हम यूज करते हैं।